हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के सामने चने की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये चना है भुना हुआ, जिसका हम लोग सत्तू बनाते हैं फ्रेंड, वही चना है। आप फ्रेंड इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं इसकी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फ्रेंड इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर फ्रेंड इसको आप लोग कंटिन्यू इसका जो मैं बनाऊँगी रेसिपी उसका सेवन कर लेंगे एक हफ्ता, तो आपको इसका फ़र्क खुद ही समझ में आएगा फ्रेंड। आपके शरीर में कैसी भी कमजोरी रहेगी, खून की कमी रहेगी, कमर में दर्द फ्रेंड, कोई भी कमजोरी रहेगी, अगर फ्रेंड आप इसको एक हफ्ता यूज कर लेंगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, पहले मेरा चना ऐसा था, आपको दिख रहा होगा काला काला दिख रहा है हल्का हल्का। फ्रेंड मैंने इसको साफ करके ऐसा कर दिया, जो फ्रेंड इसमें जो काला काला था उसको मैंने निकाल दिया है। आपको चना फ्रेंड एकदम अच्छे से फ्रेंड साफ़ करना है। तो ये देखिए मैंने इसको साफ कर दिया है। अब फ्रेंड हम लोग एक मिक्सी का जार लेंगे, ये देखिए फ्रेंड मिक्सी का लिया है, और इसमें फ्रेंड चने को डालकर इसका हम लोग पाउडर बना लेंगे फ्रेंड। इसको फिर हम लोग पीस लेंगे। तो फिर मैं चने को दो बार पीसूंगी, थोड़ा थोड़ा पीसूंगी, एक ही बार नहीं पीसूंगी, क्योंकि फ्रेंड मेरे मिक्सी का जार छोटा है, तो इसको फिर मैं दो बार में पीसूंगी। और फ्रेंड मेरे पीछे चिड़िया बहुत चहचहा रही हैं, जो चिड़िया होती है फ्रेंड पीछे मेरे बोल रही हैं, आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए फ्रेंड मैं इसको पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इसको पीस लिया है फ्रेंड, इसको एकदम बारीक पीसना है। इसका फ्रेंड आपको सत्तू बनाना, जैसा फ्रेंड हम सत्तू बनाते हैं ना, वैसा फ्रेंड एकदम बारीक इसको एकदम महीन पीसना है फ्रेंड। और फ्रेंड जो चना एक्स्ट्रा था उसको भी हम लोग साफ़ करके पीस लेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड जो चना मेरा बचा हुआ है इसको भी मैं पीस लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने सारे चने को पीस लिया है और फिर एकदम बारीक पीसा है। अब फ्रेंड इसको हम लोग छान लेंगे। इसको देखिए फ्रेंड मैं छान लूँगी अच्छे से, ताकि फ्रेंड इसमें थोड़ा सा जो कड़ इसका रहेगा वो निकल जाएगा, हल्का फुल्का जो रहेगा वे फ्रेंड निकल जाएगा। तो इसको हम लोग अच्छे से फ्रेंड छान लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड हल्का सा इसमें निकला है, इसका जो कड़ होता है फ्रेंड वो जो बच गया था वो निकल गया है। तो फिर आपको ऐसे ही इसको एकदम छान लेना है। चलिए फिर हम लोग इसका रेसिपी बनाते हैं। तो फ्रेंड रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुछ सामग्री ली है फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, केला है, बादाम है, खजूर है, काजू है, दूध है फ्रेंड। फिर आपको एक गिलास दूध लेना है फ्रेंड, आपको जितना बनाना होगा आप फ्रेंड उतना दूध लीजिएगा। तो देखिए फिर मैंने एक गिलास दूध लिया है, और ये फिर कुछ ड्राई फ्रूट है, सत्तू है फ्रेंड। फिर ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से लीजिएगा, बट फिर मैंने इसमें दो खजूर लिया है, एक केला लिया है, बादाम लिया है पांच, और फिर काजू लिया है। आपको इतना ज़रूर लेना है फ्रेंड। और फ्रेंड इस रेसिपी को बच्चे और फिर बड़े सभी लोग पी सकते हैं फ्रेंड, ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर फ्रेंड इसको आप लोग कंटिन्यू एक हफ्ते 20 दिन पी लेंगे तो आपके शरीर में खून की कमी, कमजोरी, चक्कर आना फ्रेंड सभी बीमारियाँ जो है दूर हो जाएंगी। मिक्सी का जार लिया है, अब फ्रेंड इसमें डालेंगे दूध को फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड मैंने एक गिलास दूध डाला है, इसी में फिर हम लोग एक केला डालेंगे, जो केला फिर मैंने लिया था वो केला डाल देंगे। उसको काट कर फ्रेंड आप चाहो तो फिर ऐसे भी डाल देंगे, बट फिर मैं इसको काट कर डालती हूँ। और फिर मैंने जो खजूर था उसका बीज निकाल दिया है फ्रेंड, आपको खजूर का जो फ्रेंड बीज है उसको निकाल देना है, नहीं तो फिर हमारी मिक्सी की जो पत्ती है टूट जाएगी। तो फिर हम लोग खजूर के बीज को निकाल देंगे। तो फिर हम लोग दूध में खजूर डालेंगे, केला डालेंगे, बादाम डालेंगे, फिर जो ड्राई फ्रूट था उसको डालेंगे। तो देखिए फिर मैं सभी ड्राई फ्रूट को इसमें ऐड करती हूँ, और साथ में फिर हम लोग इसमें सत्तू भी ऐड करेंगे। तो फिर मैं बताऊँगी सत्तू कितना इसमें आपको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है फिर, बस थोड़ा सा डालना है, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फिर ये देखिए मैंने सबको इसमें दूध में डाल दिया है। और फिर यकीन मानिए ये फिर जो मैंने बनाया था रेसिपी, ये फिर मेरे घर में सबको पसंद आया था, सभी ने बोला बहुत ही टेस्टी बना है। तो फिर आप मतलब एक केला है आप उसको बना सकते एक केले से भी। तो ये देखिए फिर मैं 2 चम्मच भर कर इसमें सत्तू डालूँगी फिर, जो फिर सत्तू है उसको फिर मैं 2 चम्मच डाली हूँ भर कर। फिर मैंने एक गिलास दूध लिया है, तो 2 चम्मच सत्तू डाला है। आप मतलब ज़्यादा दूध रहेगा तो आप सत्तू की क्वांटिटी और जो ड्राई फ्रूट है और केला है फ्रेंड उसका क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। और फिर इन सबको हम लोग अच्छे से फिर पीस लेंगे, इसका फिर पेस्ट बनाना है। और फिर इसमें पानी नहीं ऐड करना है, बिना पानी ऐड किए फिर इसको पीस लेंगे। चलिए फिर मैं आपको इसको पीस कर दिखाती हूँ। और फिर वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए फिर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया, ये देखिए। अब फिर हम लोग इसको एक ग्लास में निकालेंगे। तो ये देखिए फिर मैंने एक ग्लास दिया है, उसमें फिर हम लोग उसको निकालेंगे। और फिर एक ग्लास मैंने दूध लिया था, लेकिन ये 1.5 ग्लास बन गया था। और ये देखिए फिर थोड़ा सा मिक्सी के जाने बचा हुआ है, तो फिर लमसम मेरा 2 ग्लास के लगभग हो गया था, थोड़ा सा कम। तो ये देखिए फिर हमारा हेल्दी और टेस्टी फिर चने का ड्रिंक फिर बनकर तैयार हो गया है, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए फिर
चने की हेल्दी फ्रेंड ड्रिंक बनकर तैयार है। खासकर फ्रेंड ये बच्चों के लिए है, क्योंकि फ्रेंड बच्चे चना नहीं खाते, भुना हुआ चना नहीं खाते, तो आप उनको फ्रेंड ऐसे बनाकर दे सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड कितना गाढ़ा है, फ्रेंड सत्तू की वजह से हमारा जो फ्रेंड ड्रिंक बना है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो फ्रेंड आप लोग इसको बनाइएगा और फ्रेंड बताइएगा फ्रेंड आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को फ्रेंड क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे ऑल फ्रेंड, टेक केयर।